हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आप किस तरीके से घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं, इसमें लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपका सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, ये कितने रुपये का लोन आपको प्रोवाइड करता है और इसमें जो है आपको कितने दिनों का रिपेमेंट टाइम दिया जाता है, सब कुछ ए टू जेड कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करें आज के डेट में जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का 5 लाख से प्लस डाउनलोड है। इसकी रिव्यू की बात करें तो 3.1 स्टार रिव्यू जो इसको मिला हुआ है। तो इसका अबाउट सेक्शन पर हम लोग चलते हैं और समझते हैं हर चीज़। तो जाइप जो है अबाउट दिस एप्लीकेशन, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन यह प्रोवाइड करता है क्विक क्रेडिट लाइन, यह आपको तुरंत कुछ क्रेडिट लाइन देता है और पर्सनल लोन एंड पे लेटर ईएमआई सब चीज़ आपको इसमें मिलता है। यानी कि ये चार चीज़ आपको प्रोवाइड करता है जाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। पहला चीज़ तो आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपको इंस्टेंट लोन देता है। दूसरा, यदि आप पर्सनल लोन नहीं लेते हैं तो कुछ क्रेडिट लाइन देता है कि जितना आप क्रेडिट लाइन का यूज करेंगे उतना का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है और पे लेटर ईएमआई, यानी कि अभी आप कुछ सामान परचेज करते हैं तो आप उसको बाद में भी ईएमआई के तौर पे भर सकते हैं। तो जाइप इज एन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन डज ए लॉट मोर देन लेंडिंग। द प्राउडली मेड इन इंडिया एप्लीकेशन फॉलो ऑल देयर फेयर प्रैक्टिस फॉर लोन एप्लीकेशन। ये जो है मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, ये चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है, ये एक NBFC से रजिस्टर्ड कंपनी है। तो इसका टाइड अप कौन है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपको इंस्टेंट क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करता है 5 लाख तक का। इसमें आप डायरेक्टली लोन ले सकते हैं क्रेडिट लाइन का। इसमें आप क्रेडिट स्कोर भी फ्री में चेक कर सकते हैं। आप इसके द्वारा बिल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रैक मनी एफर्ट यानी कि जो भी आप मनी खर्च कर रहे हैं उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब इसकी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड एन इंस्टेंट पर्सनल लोन फ्रॉम जाइप। यदि आप जाइप से पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला तो आप एक सैलराइड प्रोफेशनल होना चाहिए, हैव मिनिमम मंथली सैलरी ऑफ 15,000। आपका जो मिनिमम सैलरी 15,000 होना चाहिए। आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। तो वैलिड आधार कार्ड करने का क्या मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यह आपको 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है 3 इजी स्टेप में। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हम लोग सब देखेंगे। यहाँ पर आपको जो क्रेडिट लाइन दिया जाता है उसको आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो 1.5% से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक्टिव कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे जाइप क्रेडिट लाइन को। तो सबसे पहले आपको जाइप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को फिल करना है। तीसरा, आपका जो होता है वो प्रोफाइल अप्रूव होता है और क्रेडिट लाइन जो है वो आपको दिखेगा, शो करेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर, उसके साथ साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी शो होगा। तो अनलॉक द क्रेडिट लाइन बाय कंप्लीटिंग द योर KYC विथ आधार नंबर एंड सेल्फी। उसके बाद जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे अप्रूव होगा उसको लेने के लिए आपको जो है अपना आधार नंबर के साथ KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आधार नंबर के साथ KYC कैसे कंप्लीट करते हैं कि आपके मोबाइल पे OTP आएगा आधार के द्वारा, उसको फिल करके आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं और एक सेल्फी देना है। उसके बाद आपको अपना अमाउंट चूज़ करना है और EMI प्लान दोनों आपको चूज़ करना है। उसके बाद आप पर्सनल लोन को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको क्रेडिट लाइन देगा उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कवर्स ऑल योर मनी नीड्स एंड पे लेटर एज योर प्रीफर्ड EMI प्लान। इसमें आप कुछ भी मनी को ले सकते हैं जो कि EMI के तौर पे आप उसको भर सकते हैं। बाद में बात करें, ये सब हमारे लिए कुछ खास नहीं है। इसका लीडिंग पार्टनर की बात करें तो इसका लीडिंग पार्टनर जो कि NBFC पार्टनर है, रेस्पो फाइनेंशियल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा है RPN फिनेटरेस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 2 NBFC रजिस्टर्ड कंपनी इसके अंदर है। बात करें इसमें लोन लेने के लिए सिविल स्कोर क्या होना चाहिए, तो इससे लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस होना चाहिए।
और ये आपको लोन प्रोवाइड करता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक के बीच में। तो यदि आप पर्सनल लोन लेने के इच्छुक हैं तो जाइव इंस्टेंट पर्सनल लोन को आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।